बेसिकली मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ और मेरी लीवर की कंडीशन अचानक ख़राब हो गए थे पिछले साल 2023 में अप्रैल मई के महीने में मुझे जॉन्डिस हुआ और मुझे लगा कि सामान्य जॉन्डिस है, तो मैं उसका इलाज जो है देसी नुस्खा ये वो करता रहा और वो बिगड़ता चला गया, जॉन्डिस उतरी नहीं। बाद में पता चला टेस्ट वगैरह करने पर कि वहाँ ये लीवर हमारा फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रहा है, इसलिए ये जॉन्डिस हुआ है। और मेरा वज़न एक महीने में लगभग 12 किलो अचानक गिर गया और उसके बाद मैं बीमार रहने लगा, लगातार हॉस्पिटलाइज हुआ और प्लाज्मा थेरेपी ये वो चलता रहा। लास्टली मुझे ये सजेशन मिला डॉक्टर्स के तरफ से कि भाई लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, आपका लीवर काम नहीं कर रहा है बिल्कुल। तो उसके लिए मैं हैदराबाद में आया और चूँकि मेरे पास डोनर नहीं थे घर पे कोई, तो मुझे आउटसाइड से डोनेशन लेना था, तो हमने हैदराबाद आकर और डॉक्टर सचिन डागा हैं और हमारे एक मित्र ने उनका रेफरेंस दिया था और वो काफ़ी अनुभवी हैं इस चीज़ को लेकर, और उनसे मिला। उन्होंने बड़ा ही फ्रेंडली वे में हमारा टेक केयर किया और काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव कर गईं। 90 दिन का उन्होंने वेटिंग पीरियड कहा कि ऑर्गन मिलने में लग सकता है, वेट करिए। और रजिस्टर किया उन्होंने यहाँ के जो राज्य का जो वो है जीवन दान करके संस्था है, वहाँ रजिस्टर किया गया। उसके पहले NOC लिया गया सारा 3-4 डिपार्टमेंट का कि हमें ऑपरेशन लायक मैं हूँ, और डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे से एज गार्जियन एज फ्रेंड बहुत ही दिल से लगकर उन्होंने हमारा मोरल बूस्टअप भी किया और 3 महीने पूरे होने पर हमारा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ और बहुत ही सक्सेसफुल है। और मुझे तो अब लग ही नहीं रहा है कि मैं बीमार था और बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। मैं 8 या 9 दिन के बाद ऑपरेशन के चलने फिरने की स्थिति में था और हॉस्पिटल से रिलीज भी होने की कंडीशन में आ गया था। 2 ही दिन सिर्फ ICU में रहना पड़ा और बहुत आसानी से अच्छे से सारी चीज़ें टेक केयर की गई। और डॉक्टर सचिन डागा काफ़ी अनुभवी हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनके पास आने के बाद मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी डॉक्टर के पास हूँ। वो गार्जियन की तरह एक एक माइनूट चीज़ों को देखकर और बहुत अच्छे से केयर करके, और उनका एक्सपीरियंस भी बहुत है इस फील्ड में, काफ़ी सैकड़ों केस उन्होंने किया हुआ है ना, और काफ़ी उनका अच्छा रहा। तो वो बिल्कुल पर्सनल टेस्ट देकर उन्होंने सारी चीज़ें की और बिल्कुल मैं ठीक हूँ और बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, कहीं कोई तकलीफ़ नहीं है। हॉस्पिटल भी जहाँ वो यहाँ कार्यरत हैं हैदराबाद में, वो KIMS हॉस्पिटल है और ये हॉस्पिटल भी बहुत ही बढ़िया मेंटेन्ड है और बहुत ही अच्छा है और बिल्कुल जेन्युइन है। पैसे वैसे को लेकर, खर्चे को लेकर कहीं से भी किसी तरह का गलत मामला नहीं आया, किसी तरह की तकलीफ़ नहीं हुई और खूब केयर किया गया हर तरीके से। मुझे लगा ही नहीं कि मैं बीमार हूँ और मेरा मोरल बूस्टअप भी करते रहे और लगातार मेरी जो है सो देखभाल की गई और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं टहलने घूमने लगा हूँ, घर पे नॉर्मल खाने के तरफ भी बढ़ गया हूँ, वेट भी मेरी थोड़ी थोड़ी करके अब गेन होनी शुरू हो रही है। आई एम फिट टिल नाउ, बहुत अच्छा है। और रिव्यू डॉक्टर साहब बीच बीच में करते हैं वीकली 10 डेज पे, ब्लड टेस्ट वगैरह करके, और उसके अनुसार दवाइयों का डोज जो है कम बेसी अभी कुछ दिन चलेगा, 2-3 महीने ऐसा उन्होंने बताया है। बिल्कुल मुझे लगा ही नहीं कि मेरा ये दूसरा जीवन है समझ लीजिए, वो मुझे मिला है। आई एम थैंकफुल टू द डॉक्टर एंड द हॉस्पिटल एंड द पीपल हु हैव टेकन केयर अबाउट मी। थैंक यू वेरी मच।